मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सीटेट दिसंबर 2022 का जो रिज़ल्ट आज की डेट में यानी कि 3 मार्च 2023 को आया है, तो मैंने भी सीटेट का फॉर्म भरा था और मेरा पहली बार में सीटेट निकला है। सीटेट क्वालिफाई हुआ है 1-5। तो आपको आज मैं 3 टिप्स बताना चाहता हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी की। 3 टिप्स क्या मैंने फॉलो किया जो सीटेट मेरा पहली बार में निकला। सभी कैंडिडेट जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग ये 3 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सीटेट पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाएगा। ये देखिए मेरी मार्कशीट है पूरी, ये देखिए पेपर वन मैंने दिया था फॉर क्लास 1-5 प्राइमरी स्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। मेरे 30 में 25 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में 30 में 17 मार्क्स हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में मेरे 30 में 22 मार्क्स हैं, लैंग्वेज 1 में 30 में मेरे 21 मार्क्स हैं और लैंग्वेज 2 में 30 में 20 मार्क्स हैं। तो लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज की थी और लैंग्वेज 2 जो थी मेरी वो इंग्लिश थी। तो 3 आपको टिप्स बताएंगे जो आप सीटेट पहली बार में क्वालिफाई कर लेंगे। तो पहला टिप्स मेरा यही है कि सीटेट क्वालिफाई जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइए। 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के कम आप जो है क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। 10 ईयर्स के पहला टिप्स है, इस पर आप बहुत जोर दीजिएगा। और दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि आप लैंग्वेज जो आपको लैंग्वेज टू चूज करने में आप सावधानी बरतिएगा। ये कि जो आपको लैंग्वेज अच्छे से आती हो, जैसे पहला लैंग्वेज वन में आपने हिंदी चूज किया, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी चूज कीजिए अच्छे से, अगर आपको उर्दू आती है उर्दू चूज कीजिए, अगर आपको संस्कृत आती है संस्कृत चूज कीजिए, अगर आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश चूज कीजिए, अन्य जो लैंग्वेज दिए हुए हैं तेलुगु तमिल मराठी ये सब, तो जो आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है उसको आप चूज कीजिए। सेकेंड लैंग्वेज जो पहला लैंग्वेज हो गया, मैं यहाँ पे मुझे संस्कृत भी आती है लेकिन मैं संस्कृत नहीं चूज किया, मैंने हिंदी चूज किया और सेकंड लैंग्वेज जो मैंने चूज किया वो इंग्लिश चूज किया। तो मैं इंग्लिश के स्थान पे संस्कृत चूज कर सकता लेकिन मैंने इंग्लिश चूज किया क्योंकि इंग्लिश अच्छे से आती है, संस्कृत भी आती है लेकिन मेरी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी पकड़ है तो मैंने इंग्लिश चूज। मतलब लैंग्वेज पे आप सेकंड जो टिप्स है वो लैंग्वेज पे है कि लैंग्वेज जो आपको अच्छे से आती हो। तो लैंग्वेज 2 जो आप चूज करिएगा वो ध्यान से चूज कीजिए जो आपको लैंग्वेज अच्छे से आती हो। और तीसरा जो टिप्स है वो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा कि पेपर पहली बार में निकल जाएगा। आप अंदर से ये रहिए कि मेरा पेपर पहली बार में निकल जाए, अपने आप पॉजिटिविटी बनाए रखिए। थर्ड टिप्स है पॉजिटिविटी का कि बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप पेपर दीजिए, तैयारी कीजिए और आपका पेपर पहली बार में निकल जाइए, अपने में विश्वास रखिए। तो ये मुझे विश्वास था कि मेरा पेपर पहली बार में निकल जाएगा और मेरा पेपर निकल गया। देखिए आउट ऑफ मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो ये तो आप टोटल 150 में 105 मार्क्स आए हैं, 70% मेरे बने हैं, 150 में 105 मार्क्स आए। ये मुझे तीसरा जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा टिप्स कि आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, ये विश्वास करिए कि मेरा सीटेट पहली बार में क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैंने अपने अंदर विश्वास बनाए रखा कि मेरा पहली बार में निकल जाएगा और निकल गया। तो 3 टिप्स आपको फिर से मैं बता देता हूँ। पहला टिप्स जो आपका है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाना कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे से। सेकंड जो आपको करना है वो लैंग्वेज पे करना है, लैंग्वेज जो आप चूज किए जो आपको अच्छे से आती है उसको चूज किया। और तीसरा आप अपने आप को पॉजिटिव बना रही कि मेरा पहली बार में सीटेट निकल जाएगा। तो ये आप 3 टिप्स फॉलो कीजिए, आपका सीटेट पहली बार में निकल जाए। मेरे सक्सेस स्टोरी है सीटेट पहली बार में क्वालिफाई करने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।